Get more such videos on law. Do subscribe our channel Logical Guruji and hit the bell icon for notification and update. Hey guys, what's up? कैसे आप लोग? तुषार पर दिस साइड एंड बच्चों आज है 3rd January 2018. अब से कुछ दिनों पहले आपकी दिसंबर एग्जाम्स खत्म हो चुकी है, दिसंबर 2017 की. एंड आई होप कि आपके पेपर अच्छे गए होंगे. उसके बाद आप लोगों ने अच्छे जाने की खुशी में 31st सेलिब्रेट किया होगा, नए साल का बहुत अच्छे से स्वागत किया होगा, स्वैग से स्वागत किया होगा आप लोगों ने, और बहुत खुश होंगे आप, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ. बट खुशी को आप अब यहीं होल्ड करेंगे. और अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया होगा तो आपने जो मातम मनाना था, दुख मनाना था, वो भी हो गया होगा. सो आई अज्यूम दैट आज की तारीख में 3rd January को आपकी खुशी और गम का जो सिलसिला है वो खत्म हो जाना चाहिए. एंड नाउ यू शुड फोकस फॉर June 18 एग्जाम्स. जी हाँ, June 18 में कई लोगों के ग्रुप 2 के एग्जाम्स रहेंगे. अगर आप CS एग्जीक्यूटिव में हैं तो एक ग्रुप दिया होगा, दूसरा ग्रुप देंगे. कई लोगों ने बोथ ग्रुप दिया होगा और उनको उम्मीद होगी कि दोनों ग्रुप पास हो जाएंगे. बट किसी को ऐसा लगता है कि सर हमारा एक ग्रुप पास नहीं होगा, या फिर जिसने ग्रुप 1 दिया एंड ही और शी वॉन्ट टू प्लान फॉर ग्रुप 2, तो क्या करें? अच्छा, जो बच्चे प्रोफेशनल में हैं उनके साथ भी सेम प्रोसेस होगी. इन्होंने भी तीनों ग्रुप दिए होंगे प्रोफेशनल वाले बच्चों ने, या हो सकता है किसी ने ग्रुप 1 दिया हो और ग्रुप 2 ग्रुप 3 की प्लानिंग करेंगे, या वाइस वर्सा. तो एज अ केस मैं अज्यूम करता हूँ कि सर आप सब लोग जून में एग्जाम देने वाले हैं. अब ऐसे में सर आपको एक रोड मैप मुझे चाहता हूँ बताऊँ. बट ध्यान रखना, ये रोड मैप टिल जून नहीं है, ये रोड मैप है टिल 25 February. राइट, 25 February तक के ही मैं आपको जो बताऊंगा वो अप्लीकेबल होगा. 25 February के बाद मेरा फिर से वीडियो आएगा, ऑब्वियसली जैसे हर साल आता है, हर बार आता है रिजल्ट के बाद, और तब आपको बताऊंगा मैं मार्च अप्रैल मई की प्लानिंग. राइट, तो मैं आपको देने वाला हूँ सिर्फ 2 महीने की प्लानिंग, जनवरी और फरवरी 25 February तक के, क्योंकि 25 February को बहुत सारी बातें बदलेगी. हो सकता है आपका ग्रुप 1 जो आपने दिया होगा वो पास हो जाए और आप सब कुछ ठीक चले. बट सर इतना आसान हमारे CS में नहीं होता, 80-90% बच्चे फेल होते ही हम जानते हैं. और ऐसा ना हो कि आप उसमें फंसो, और अगर आप फंस गए उसमें, कहीं ना कहीं आपका निगेटिव रिजल्ट आता है, तो आपको सर पुराने जो ग्रुप 1 था उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, रिविजन में ग्रुप 2 की तैयारी भी करते रहनी है. और ऐसे में सर आप लोग प्लान कैसे करोगे, कैसे आप लोग जून में एग्जाम दे पाओगे, और कैसे आप लोग फ्लम्बल नहीं करोगे? और ये सब के साथ साथ बीच में एक और प्रेशर आएगा, वो है मार्च अप्रैल मई में BCom या BBA या BCA या लॉ के पेपर्स. ये कुछ तो आप कर रहे होंगे जो साथ में आपको तकलीफ देगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा सा कॉमेडी, अब आयरन अजीब सा डायलॉग है, लेकिन एक डायलॉग सुना होगा आप LIC का, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. वैसे ही BCom का भी होता है, BCom CS के साथ भी और CS के बाद भी. तो CS वाली बात है कि CS BCom के साथ भी चल रहा है और CS BCom के बाद भी चल रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो. बट खैर, ये एक अजीब सा था लेकिन फैक्ट है. तो खैर, CS BCom के साथ भी लोग करते हैं, BCom भी चल रहा होता है, कई लोगों का BCom हो भी चुका है और CS चल रहा होगा, ठीक है ना. तो CS अब उन लोगों का जिनका BCom चल रहा है उनको सर BCom के साथ साथ मैच करना है, क्योंकि इस साल आपके मार्च अप्रैल मई में पेपर भी आएंगे. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जून में एग्जाम एंड में नहीं होती, जैसे दिसंबर एंड और जून एंड, नहीं, दिसंबर एंड पर जून के फर्स्ट वीक में होती है, फर्स्ट से एग्जाम होती है. तो बताओ प्रॉब्लम क्या है, जून से दिसंबर का जो स्लॉट है वहां पे आपको मिलते हैं इंडायरेक्टली 7 months, और जैन से लेके अभी मई मिलने वाला है, मई तक, जून में तो एग्जाम है, तो आपके पास बहुत कम टाइम है, बहुत बहुत कम टाइम है. इसलिए आपको बहुत अच्छे से प्लानिंग चालू करनी है. तो मैं आपको जो बताऊंगा आने वाले 15 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको फॉलो करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. आपके सारे फ्रेंड्स मैं जानता हूँ इस दुविधा में होंगे, तो प्लीज शेयर विद देम सो दैट दे शुड ऑल्सो गेट अ प्रॉपर इन्फॉर्म्ड एडवाइस एंड देन दे कैन एक्ट अपॉन इट इफ यू वांट टू एक्ट और नॉट, आपकी मर्जी, ठीक है ना. तो शुरू करते हैं सर टॉपिक. टॉपिक का नाम है ग्रुप 2 प्लानिंग, कैसे ग्रुप 2 की प्लानिंग करेंगे हम आने वाले 2 महीने की. तो पहली बात तो अजम्पशन है, अजम्पशन क्या है कि सर आपकी पहला अजम्पशन यह है कि आप लोगों का BCom का पेपर आने वाला है, BCom या BBA या ETC एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें आएगी, ठीक है. साथ साथ में आपका ग्रुप 1 का रिजल्ट भी अवेटेड है, जो नॉर्मली आएगा 25 February को, बराबर, रिजल्ट भी आएगा. और आपको अभी ग्रुप 2 की प्लानिंग भी करनी है, प्लान भी करना है सर कैसे होगा इतना सब कुछ, ठीक है. तो ये 2-3 अजम्पशंस पे मैं बातें करने वाला हूँ, और तभी आप लोग इस पे, अगर आपका एग्जाम अजम्पशन जैसे कि आपका BCom पे पेपर नहीं है, आपका ग्रुप 1 दिया ही नहीं है, तो सर आप वीडियो बंद कर सकते हो, आप आराम से 4-5 महीने एंजॉय करते हो पढ़ाई करें, आपको टेंशन नहीं है. पर मैं जानता हूँ कि कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे सर जिनका जॉब होगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट में भी होंगे, एम्प्लॉयमेंट,
वो क्या करे, वो कैसे पढ़ाई करे, क्योंकि नॉर्मली वो 9 से 7 तो ऑफिस में रहता है, और अगर आप दिल्ली मुंबई में रहते हो तो फिर ट्रैवलिंग टाइम अलग, तो ऐसे में क्या करें। तो इसलिए मैं 2-3 बातें आपको बताने वाला हूँ क्विकली, ठीक है ना। तो सर जो भी मैं बताऊंगा आपको इट विल वैलिड फॉर टुडे 3rd January to 25th February, दैट इज 50 डेज, बराबर। जैन के अराउंड 27 डेज और फेब के 25 दिन, मतलब 52 डेज, 50 डेज अंदाजन पकड़ लेते हैं, 50 दिन आपके पास है। और 50 दिन में आपको, अभी अगर मैं बात करूँ सीएस एग्जीक्यूटिव की ग्रुप 2 की, तो आपको 3 पेपर देने हैं, या अगर मैं बात करूँ सीएस प्रोफेशनल की भी, तो भी आपको 3 पेपर देने हैं या फिर 6 पेपर देने हैं एज अ केस में भी, बट अजम्पशन लेता हूँ कि 3 पेपर देने हैं। एग्जीक्यूटिव है तो ILGL, CMSL और अकाउंट्स, 3 ही पेपर है, और 3 पेपर आपको 50 डेज में करना है। अगर आप अज्यूम करते हैं कि आपको कुछ भी काम नहीं है लाइफ में, मतलब आप कॉलेज भी जा नहीं रहे हो, लाइव लेक्चर भी जा नहीं रहे हो, आई सजेस्ट यू नॉट टू गो फॉर लाइव क्लासेस। इट्स नॉट बिकॉज कि सर मैं लेक्चर आपको भेजता हूँ सीएस एग्जीक्यूटिव के, वैसा नहीं है, मैं खुद भी लाइव पढ़ाता हूँ, कई बच्चे जानते हैं मुझे, मैं लाइव पढ़ाता हूँ, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई केम टू नो दैट लाइव आप लोगों के लिए डेंजरस हो सकता है, आपका टाइम, आपका एफर्ट्स, आपका जो ट्रैवलिंग टाइम है, बहुत कुछ वेस्ट होता है। इसके अलावा मुझे बताइए कौन से अकेडमी में, मैं भी जहाँ पढ़ाता हूँ मैं भी जानता हूँ और एवरी वन अंडरस्टैंड, कहाँ पर ऐसा होता है कि टाइम पे कोर्स ख़त्म हुआ, या तो अगर आपका कोर्स का देखो ड्यूरेशन चालू होगा, अभी एग्जाम क्लासेस चालू होंगी 15-20 जैन से, कोई कोचिंग क्लास में चालू होगा, एंड विल गो टिल 30 अप्रैल, मतलब 3-3.5 महीना क्लास होगा, उस पर भी सर 30 अप्रैल को ख़त्म होती ही नहीं है, इट विल डेफिनेटली गो फॉर 15 डेज एक्स्ट्रा, दैट इज 15 मई तक जाएगा। अब आप ख़त्म कब करोगे रेगुलर क्लास? अच्छा मुझे बताओ, ऐसा होता है कि सर हर हफ्ते आपकी फैकल्टी छुट्टी मारती है? मैं भी मारता था, क्योंकि सर हमारी लाइफ होती है सर, कहीं ना कहीं तबीयत ठीक नहीं है, कभी फैमिली को देखना होता है, कहीं ना कहीं कुछ तो चलता रहता है, एक एक दो दो फैकल्टी छुट्टी मारती रहती है अल्टरनेट डेज पे, आप चले गए सेंटर पे जाके बैठ गए और क्लास नहीं हो रही है, टाइम वेस्ट। एंड नॉर्मली 5 to 6 hours आपको देने पड़ते हैं क्लास को, वो भी 4-4 महीने, साथ में बीकॉम भी रहेगा आपका। अच्छा बीकॉम के पेपर देते जब जाओगे आप मार्च अप्रैल में, तब क्लास को छुट्टी नहीं रहेगी, तब क्लास मिस होगा, कितनी इशूज़ है, कितने सारे इशूज़ है। इससे मुझे भी खुद रियलाइज़ हुआ कि यार मैं लाइव पढ़ाता हूँ, मैं फिर से बोलूँगा मैं लाइव पढ़ाता हूँ, बट आई रियलाइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट फॉर यू पीपल इट इज़ बेटर दैट यू शुड गो फॉर वर्चुअल। ऑनलाइन में आप जाइए, लेक्चर्स लीजिए, घर बैठे बैठे पढ़िए, तो आप पूरा टाइम दे सकते हो, क्योंकि मैं फिर से बोलूँगा, ये देखिए आपके पास बीकॉम है इस अप्रैल मार्च अप्रैल में, अगर अगर सबसे बड़ी डेंजर वाली बात क्या है, आप बेशक लाइव लगाओ, बट सर अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो मतलब बीकॉम है और ना आपका ग्रुप 1 का रिजल्ट है, बट अगर कहीं ग्रुप 1 का रिजल्ट Feb 25 को आया और आप पास हुए, तो मैं फिर से बोलता हूँ बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, बट अगर नहीं हुए तो 25 फेब को सर आपको पुराने 4 पेपर भी पढ़ने हैं ग्रुप 1 के, या प्रोफेशनल वाले होंगे तो फिर 3 पेपर पढ़ने हैं पुराने वाले, वो रिवाइज करना है और नया चल ही रहा है। मुझे बताओ सर आपको क्या मन में आएगा, आपके मन में ये आ सकता है कि जब हम एक ग्रुप पास ही किए तो 2 ग्रुप कैसे देंगे जून में, क्योंकि ग्रुप 1 जो फेल हुआ वो और ग्रुप 2 वापस पढ़ रहे हैं, फिर आप सोचेंगे काम करते हैं एक ग्रुप छोड़ देते हैं, कौन सा वाला ग्रुप 2 जो लगाया था वही छोड़ देते हैं, पहले ग्रुप 1 पढ़ लेते हैं, या फिर ग्रुप 2 लगाए थे क्लास तो वो कर लेते हैं ग्रुप 1 छोड़ देते हैं, मतलब जो पढ़ा हुआ था इतना सालों से या इतने 1 साल 1.5 साल से वो सब चला गया, और अब गैप करोगे तो सर वापस भूल जाओगे, फिर नई क्लास लगाओ, कितना पैसा भरोगे यार, क्यों पैसा भरोगे बेवजह का, माँ बाप पैसे फोकट में थोड़ी कमा रहे आपके, कितना वेस्ट करोगे, 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार तो आप दे चुके होंगे ग्रुप 1 की कोचिंग में, 20 हज़ार वापस आपको ग्रुप 2 में लगेंगे, और कैसे कितना बड़ा, और फिर वो करके फिर वापस रिवीजन करोगे। सर प्लीज अंडरस्टैंड, इसलिए मैं अभी भी बोलूंगा इस 50 दिनों में आप ग्रुप 2, आप सुना ध्यान से आने वाले 5 मिनट, इस 50 दिनों में आप ये 3 पेपर पूरे कवर कर ले। अगर आप लाइव जा नहीं रहे हो तो आप 24 आवर्स घर पर बैठे हो, और मुझे मालूम है कि सर जनवरी फरवरी में कोई बीकॉम जाता नहीं कॉलेज, ठीक है ना, तो 24 आवर्स आप घर पे हो, 8 घंटे आप सोने के निकाल लो, मस्ती के 8 घंटे निकाल लो, अरे 16 घंटे निकाल लो यार, फिर भी 8 घंटे में अगर आप ये 9 कर लो इसको राउंड फिगर में, 9 घंटे में 3 पेपर एवरेज, अगर आप 3 घंटे देते हो हर पेपर को, हर सब्जेक्ट को रादर, तो 9 घंटे में आपके 3 पेपर हो जाएंगे, आप 25 फेब के अंदर आपको ग्रुप 2 हो चुका रहेगा। अब सुनना मेरी बात, काम की बात, 25 फेब को ग्रुप 2 हो चुका रहेगा, रिजल्ट पॉजिटिव आया तो बल्ले बल्ले, मार्च अप्रैल मई बीकॉम की पढ़ाई करो और ग्रुप 2 की 2-3 बार रिवीजन करो, और आप पास हो सकते हो अच्छे से आराम से, जब ग्रुप 1 हुए तो ग्रुप 2 भी हो जाओगे, और गलती से अगर पास नहीं हुए ग्रुप 1 तो सर ग्रुप 1 की भी रिवीजन करनी है, ग्रुप 2 की भी रिवीजन करनी है, ग्रुप 1 भी पढ़ चुके एक बार, ग्रुप 2 भी पढ़ चुके हो, तो 25 फेब को आपकी पूरी सिलेबस हो चुकी रहेगी, तो आपके तो मार्च अप्रैल रिवीजन का रहेगा, साथ साथ बीकॉम भी दे देना। बट अगर आप लाइव जा रहे हो तो सर आप अप्रैल एंड या मई तक तो रिवीजन ही कर रहे हो, क्लास ही कर रहे हो,
रेगुलर क्लास कर रहे हो, वो खत्म ही नहीं हुआ है। वो कब खत्म होगा, रेगुलर कब खत्म होगा, रिवीजन कब करेंगे, अरे बाप रे क्या पागल बनी है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, वर्चुअल पे ट्राई करिए। अब कई बच्चे बोलते सर वर्चुअल में एक ही दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती बच्चों को, एक ही दिक्कत आती है सर हम डाउट्स कैसे सॉल्व करें। अब मेरी बात सुनो भैया, डाउट का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन बाय डाउट। डाउट का मतलब आप अपने आप पे शक कर रहे हो कि आपको समझा नहीं है। व्हाट हैपेंस अगर डाउट है तो आप क्या करते हो, यू गो टू फैकल्टी एंड आस्क हिम कि सर इसका इसका आंसर क्या रहेगा, एंड ही और शी टेल्स देम टेल्स यू कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है। वो भी टाइम मिला तो बताते हैं, नहीं तो फैकल्टी बताते भी नहीं है। बताया तो ठीक, नहीं तो गए फैकल्टी, चले जाते हैं क्लास छोड़ के। तो बताया तो अच्छी बात है, उन्होंने आपको रिवाइज कराया ना, वही बात रिपीट कराई। यही अगर वीडियो में आप वीडियो सुनो समझ में नहीं आया, हो सकता है रिवाइज करिए, पीछे वीडियो को पीछे ड्रैग करिए फिर सुनिए, फिर आके जाइए, फिर सुना नहीं आया समझ में नहीं आया फिर रिवाइज करिए। अगर आप उसी वीडियो को बंद किए बिना दो तीन बार फॉरवर्ड रिवाइंड करेंगे तो आपको समझ में तो आ जाएगा। और साथ साथ अगर नहीं भी हुआ तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप होता है, हम फैकल्टियों का व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है व्हाट्सएप ग्रुप में कि 50 बच्चे होते हैं उस ग्रुप में, डाउट पूछता है एक बंदा है, सॉल्व सबके हो जाते हैं। तो खैर बहुत सारे फायदे हैं अगर आप लाइव की जगह पे वर्चुअल चूज करते हो तो, बट एंड ऑफ द डे इट्स योर चॉइस, बिकॉज आप अपने शुभचिंतक हो, आप अपने समझदार अच्छे से हो, आपके माँ बाप से बात करी आपको समझती है मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बिकॉज आई डोंट थिंक आप ये सब सोचो कि मैं वर्चुअल के लिए कर रहा हूँ, बाकी सोचते हैं तो वही सोचेंगे, ठीक है ना। खैर तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। आपको 25 फेब, मेरा पहला टारगेट है ये वीडियो का जो टारगेट है वो है 25 फेब। 25 फेब के बाद मैं फिर से वापस बताऊंगा आपको मेरा पूरा स्टडी प्लान, जो जानते हैं मैंने बताया हूँ बच्चों को हमेशा सुबह कब उठना है कैसे क्या करना, मैं सब बताऊंगा। अभी 25 फेब तक के आपका पहला टारगेट है ये सिलेबस पूरा कर लो, तीन ग्रुप का, तीन सब्जेक्ट वाला सॉरी। और कहीं अगर किसी को लगता है कि सर मेरा कंपनी लॉ या ग्रुप वन में टैक्स खराब गया था तो स्टार्ट रिविजन, वो भी रिविजन स्टार्ट कर लो अगर आपको लगता है तो। बट ग्रुप टू के सर फुल कोर्स की पढ़ाई चालू कर दो अभी से, ये ध्यान रखते हुए कि सर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा और आप 25 हफ्ते की पूरा पढ़ाई करके मार्च से रिवीजन करेंगे। और ये भी ध्यान रखिए सर कि अगर कहीं आपका रिजल्ट निगेटिव आता है ग्रुप वन का तो सर आपको तब बर्डन नहीं आना चाहिए, बिकॉज सर ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है। 25 फेब को वेन यू केम टू नो कि आप ग्रुप वन पास नहीं हुए तो वो पहले चार पेपर देना, नए तीन पेपर देना, सात पेपर देना, कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाता है और बच्चे छोड़ देते हैं एक ग्रुप, कई बार तो कुछ बच्चे दोनों ग्रुप छोड़ जाते हैं। और सर आपने बहुत पैसे बर्बाद किए सर, माँ बाप की मत करो प्लीज। लाइव इतना क्लास लगाते हो या इतने पैसे वैसे भरते हो, पेट्रोल अलग वेस्ट करते हो, टाइम पे जाते हो क्लास में, वहाँ पे चीज़ें पूरी वेस्ट हो रही है। तो मेरी बात समझो अच्छे से, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनीथिंग। मैं खुद भी लाइव, मैं फिर से बोल रहा हूँ फाइनल आंसर, मैं खुद लाइव पढ़ाता हूँ तो आप बेशक लाइव जा सकते हो, बट देन आपकी प्रायोरिटीज चूज करनी पड़ेगी आपको कि आपको मेन क्या है। अगर आपके लाइफ में ये सब है, बीकॉम आने वाला है इस मार्च अप्रैल में, आपको पता है आपने ग्रुप वन दिया हुआ है, ये सब ध्यान रखते हुए सर आपके पास अभी टाइम नहीं है ये सब सोचने का, ठीक है। तो ऐसा मुझे लगता है, बाकी सर मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, तो बस मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला, यहीं तक हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आज। तो व्हाट इज़ द टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो, दैट यू नीड टू रिवाइज, स्टार्ट स्टडी राइट नाउ, आज से स्टडी स्टार्ट करें, फाइनल दो मिनट, आज से स्टडी स्टार्ट करें, डोंट वेट फॉर 25 फेब कि वो रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, आज से स्टडी स्टार्ट करेंगे ग्रुप टू की। प्रोफेशनल के हो तो सेकेंड ग्रुप थर्ड ग्रुप की, अजूम करता हूँ कि ग्रुप वन दिया होगा, दो ग्रुप दिए होंगे तो एक ग्रुप देना है प्रोफेशनल वाले, ऐसे जिन्होंने बहुत ग्रुप दे दिया है सीएस एग्जीक्यूटिव का और उनको पता है कि सर उनका कहीं ना कहीं पेपर फेल होने वाला है या कुछ निगेटिव आने वाला है, स्टार्ट करिए। लेक्चर्स लेना या क्लास लगाना सेकेंडरी है, पढ़ाई स्टार्ट आज से करेंगे 3 जनवरी से, ये वादा करिए कि पढ़ाई शुरू आज से करेंगे। 25 फेब तक के पहला राउंड है हमारा 50 दिन का, मैं बीच बीच में आपसे मिलता रहूँगा, वीडियो डालता रहूँगा, बट अभी मेरा ये वीडियो का टारगेट है 25 फेब, तब तक आपको ये वीडियो मतलब ये वीडियो उसकी वैलिडिटी वहीं तक है। 25 फेब के बाद वापस से ये वीडियो नया आएगा फॉर मार्च अप्रैल के लिए, ठीक है। तो बस सर यहीं रुकते फिर हम लोग इस वीडियो को लेकर, जितने ज़्यादा लोगों से शेयर कर सकते हैं आप इसको शेयर करिए, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी बातें बताई है जो बोलते ना आई ओपनर है, आपको हेल्प करेगा ये आपके आगे बढ़ने में, एग्जाम पास करने में, एक अच्छा इंसान बनने में भी आपको बहुत बड़ी इस पर हेल्प होगी। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स एंड पास इट टू योर फ्रेंड्स हु आर इन नीड ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो, ठीक है। हु आर इन टू डायलेमा वेदर वी शुड गो फॉर बोथ ग्रुप्स, वन ग्रुप, लाइव लेक्चर्स, वर्चुअल लेक्चर्स, विच फैकल्टी टू ज्वाइन, एवरीथिंग प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड वैसे करिए, ठीक है ना। चलिए देन, तो आज ये रुकते हैं फिर हम लोग, वापस से नया वीडियो लेके आऊँगा बहुत जल्द, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।
get more such videos on law, do subscribe our channel Logical Guruji and hit the bell icon for notification and update.